नमस्कार दोस्तों, माँ का खजाना किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए नारंगी के अचार की रेसिपी लेके आई हूँ दोस्तों, और बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल नींबू के अचार की तरह। तो एक बार आप मेरे जैसे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैंने घर में नारंगी का पेड़ लगा रखा है और इसमें नारंगी उगी हुई है, तो मैं इसको अब तोड़ लूँगी। पक गई है मेरी नारंगी, तो इसको हम तोड़ लेंगे और तोड़ के हम इसका बनाएंगे अचार। ये देखिए, इस तरह पूरा पीला रंग का पक जाए तब आप इसको तोड़िएगा, बिल्कुल येलो हो जाए। आपको दिख रहा होगा, क्योंकि धूप है यहाँ पे इसलिए थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा आपको। तो इस तरह का जब हो जाएगा तब हम इसमें जो है अचार बनाएंगे हम इसको। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी नारंगी जो है हमारे पेड़ में लगी हुई है, और ये हमने इतनी सारी नारंगी को हमने तोड़ लिया है। इन नारंगियों को अच्छे से हम पानी में धो लेंगे कि जो धूल मिट्टी है वो सब साफ हो जाए, और इसके बाद हम इसको गर्म पानी में हम इसको डालेंगे नारंगी को। दोस्तों मैं काटूंगी नहीं, मैं खड़ा खड़ा ही मैं इसको बनाऊंगी। पानी देखिए खोल गया, अब ये सारा जितना मेरा ये है सब इसमें हम डाल देंगे, और गैस को हम ऑफ करके ही इसको डालेंगे। इस तरह डाल देंगे और कलछुल से अच्छे से इसको हम चला देंगे। बस 2 मिनट खाली हम ढकेंगे, ज़्यादा देर नहीं ढकेंगे इसको, 2 मिनट ढक देंगे कि हल्का सा ये मुलायम हो जाए। अब हमारा 2 मिनट हो गया, अब हम इसको जो है डलिया में पानी छान के और इसको धूप में दिखा देंगे, नहीं तो आप पंखे में डाल दीजिए, इसका पानी मर जाए। दोस्तों ये देखिए, ये सूख गया, अब हमारा ये सूख गया है। तो अब इसमें सबसे पहले हम इसमें अजवाइन लेंगे और ऐसे क्रश करके थोड़ा सा डालेंगे, इसमें अजवाइन जाएगा। इसके बाद इसमें मैं जो है 1 चम्मच जो है कश्मीरी मिर्च मैं इसमें डालूंगी, और इसके बाद इसमें 1/2 चम्मच भुना जीरा डालूंगी मैं। इससे काली मिर्च की मात्रा जो है, अब ये छोटा 1 चम्मच मैं काली मिर्च इसमें डालूंगी। 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक अपने आप वो डाल सकते, ये 2 चम्मच, क्योंकि ये खट्टा होता है और गल के बहुत छोटा हो जाता है गलने के बाद दोस्तों, तो इसलिए नमक अभी शुरू में हम कम डालेंगे, 2 चम्मच पर्याप्त हो जाएगा। इसके बाद थोड़ी सी हींग इसमें हम डाल देंगे, और खट्टा मीठा अचार बना रहे हैं तो बहुत चीनी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें 2 चम्मच हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अच्छे से इसको हमको मिक्स कर लेना है, इस तरह हिलाते हुए हमको अच्छे से मिक्स कर लेना, और इसको हम ऐसे ही कपड़ा लगा करके हम 2 दिन धूप में इसको हम रख देंगे। और इसके बाद हम कांच की शीशी लेंगे और उसको अच्छे से हम सुखा देंगे। सुखाने के बाद इसमें भर के हम कम से कम 15 दिन के लिए धूप में रखेंगे, और ये मेरा गल के अचार बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों ऐसे कपड़ा लगा करके इसी तरह हम ऐसे करके रबर बैंड लगा देंगे इसमें, और इसको हम धूप में रख देंगे। दोस्तों देखिए, अचार हमारा ये 4 दिन का हो गया है। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितना बढ़िया ये गल गया। नीचे देखिए, ये देखिए नीचे रसा भी छोड़ दिया है हमारा, तो ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। अभी 4 दिन दोस्तों हुआ, इसके बाद देखिए ये अचार कितना बढ़िया पूरे मसाले में लपटा हुआ हमारा अचार बन के तैयार हो गया है। और इसको आप चाहे काट के खाइए, चाहे पीसेस करके खाइए। तो दोस्तों अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और माँ का खजाना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नए अचार के साथ।